नितिन सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार नवजीत जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नितिन सर, जिस तरीके से बाजार के अंदर में, और ये चीजें आप बता चुके हैं तो मुझे पता है कि उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ कि आपको मैं बार बार रिपीट करवाता हूँ, कह लीजिए कि वही वही बातें, लेकिन इसलिए रिपीट कराता हूँ या कई बार हम कोशिश ये करते हैं कि उन चीजों को फिर से या जितनी बार आपसे कनेक्ट हो तो एक बार सुन लें, क्योंकि ये वो रिमाइंडर का काम करती है पुराने दर्शकों के लिए और नए दर्शक जो जुड़ रहे होते हैं, क्योंकि हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं आपके आशीर्वाद से, तो उसमें हमारे साथ में रोज नए बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं और उनको भी ये बात पता चले, अगर उन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पीछे के और वो आपको पहले नहीं सुन चुके हैं, तो उनके लिए एक आसानी हो जाती है कि उनको पता चलता है कि बाजार में क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक बार एक समरी फिर से, बाजार जिस तरीके का दिख रहा है, किस तरीके की रणनीति है और आगे का रास्ता कहाँ बनता है। बिल्कुल लवजीत जी, आपने बहुत सही कहा कि ये रिपीट होता रहता है, रिमाइंडर होता रहता है, बिकॉज जो पुराने दर्शक है उनके लिए भी रिमाइंडर होता है, जो नए दर्शक जो जुड़ते हैं उनके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो पुराने वीडियोस को देख करके आए या फिर समझ ले कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इस बात को फिर से रख देता हूँ कि कल का जैसा फेड का मीटिंग हुआ और उसको लेकर जैसा हाइप क्रिएट हुआ था, कई जगह से मैं सुन रहा था कि मार्केट में बहुत मंदी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट मैं बार बार आपके शो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ बहुत बड़ी मंदी वाली जो चीज है जो पीछे फरवरी से लेकर जून तक दिख रही थी वो अभी फिलहाल नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत गिरावट का असर आता है, जो कि हल्की सी गिरावट, जो कि कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो चुका था, फेड के मीटिंग के पहले ही हमारे मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया था और आज वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गिरा भी नहीं मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला हुआ है। और ये सपोर्ट के लिए मैं रिटेल जो पार्टिसिपेंट है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, मैं उनको थैंक्स बोलूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है, जो बड़े प्लेयर्स है, वो आज हमारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स के सामने, जो हमारे मास में जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है उनके सामने वो चारों खाने चित हो जा रहे हैं, क्योंकि FII का डेटा अगर हम देखें तो बहुत बड़ी सेलिंग को लेकर के आते हैं, वो डेटा में साफ साफ दिखता है, बट उसके बावजूद मार्केट संभला हुआ है। कई सारे रीजन है, रिटेल की पार्टिसिपेशन भी है, नंबर्स फेवर कर रहे हैं हमारे मार्केट्स को, प्लेनेटरी एनर्जी हमारे मार्केट को फेवर कर रही है। सो मार्केट में कहीं भी अगर गिरावट आती है तो मैं बोलूंगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आज की बात करूं तो आज मार्केट जहां पर निफ्टी करीबन 110 पॉइंट अभी गिरा हुआ है, ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और लास्ट जो दो तीन दिनों से जब गिरा हुआ था वो भी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आप अगर अक्टूबर के लिए अगर देखने जाए तो अक्टूबर मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बार जो है 18,200-18,300 तक एक बार फर्स्ट लैप में जाना चाहिए, बट हाँ प्योरली बाइंग में तब बोलूंगा जब 18,025 के ऊपर अगर क्लोज दे दे, तो 18,025 के ऊपर क्लोज देते ही निफ्टी के लिए 19,000 का रास्ता खुल जाता है, 19,040 एक लेवल है जो कि खुल जाता है 18,025 के ऊपर क्लोजिंग देने से। सो इस समय में मार्केट थोड़ा सा अप डाउन थोड़ा सा जिगजैग वे में चलता रहेगा, बट 18,025 के ऊपर क्लोजिंग देते ही मार्केट अपना एक तरफा रुख पकड़ेगा जो कि 19,040 तक ले जाएगा। और बैंक निफ्टी की बात करूं अगर, तो बैंकिंग सेक्टर को तो तेजी मिल ही रही है, वो संभला भी हुआ है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर कुछ खास असर पड़ भी नहीं रहा है। जहां निफ्टी आज 110 पॉइंट गिरा हुआ है, वहां पर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिरा हुआ है। सो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में जो 100 पॉइंट के सामने बैंक निफ्टी जिस ज्यादा पहले गिरा करता था, वो गिरावट नहीं है बैंक निफ्टी में, कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है। सो जहां पर भी आपको नीचे में लेवल मिल रहा है, आप बाइंग करते चले, अच्छे स्टॉक में बाइंग करें। हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी से दूर रहे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे पहले भी शो में बताया हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी से दूर रहे क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी हाई रहेगी, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इतनी वॉलेटिलिटी दिखेगी, तो बेटर है आप या तो स्टॉप लॉस को बहुत दूर पर लगाए या नहीं तो फिर आप इंडेक्स से दूर रहकर स्टॉक्स में काम करें। ठीक है, तो ये है रणनीति, इंडेक्स से दूर रह करके काम करें ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होगी, तो या तो बहुत डीप स्टॉप लॉस लगेंगे और बड़ा रिस्क आपको लेना होगा, और अगर आप नहीं लेना चाहते तो सबसे अच्छी चीज ये है कि इंडाइसेस से दूर रहें, निफ्टी और बैंक निफ्टी से दूर रह करके स्टॉक स्पेसिफिक काम करें।